हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं, उसके पक्ष में बात करने वाला प्रधानमंत्री गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं, जरूर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कीजिए, सोरेन को गिरफ्तार कीजिए, साथ में मोदी जी की आधी कैबिनेट को भी गिरफ्तार कर लीजिए। और केवल कर्नाटका की बात नहीं है, कितने MP इनके रेप के आरोपी हैं, कितनी बार ऐसे जघन्य अपराधों के लोगों को इन्होंने आंख बंद कर ली है। ये संविधान इनके मन माफिक नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन पार्टी वन लीडर का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, और इस इलेक्शन में अगर पांव फिसल गया तो इनको पूरा मौका मिल जाएगा। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Political awareness program rakha gaya hai, election chal raha hai, saath mein koi yahan par voting hone wali hai, kya message denge aap Gulbarga shahar ki janta ko? Main Bharat Jodo abhiyan ki taraf se sirf ek message leke aaya hoon गुलबर्गा की जनता के लिए, कर्नाटका की जनता के लिए और पूरे देश की जनता के लिए, कि ये इलेक्शन कोई मामूली ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है, ये संविधान सभा के इलेक्शन के बराबर है, क्योंकि ये इलेक्शन संविधान को बचाने का है, संविधान में हमें जो हक हुकूक मिले हैं उसकी बुनियाद को बचाने का ये इलेक्शन है। और इसलिए पिछले 10 साल से इस देश की जनता के खिलाफ काम कर रही, इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश कर रही और अब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी से उतारना इस देश की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाकी सब सवालों पे बाद में चर्चा हो सकती है। एक बार इस देश में BJP को हराना और इंडिया कोएलिशन को जिताना आज पहली ज़रूरत है। मैं साफ कर दूं कि इंडिया कोएलिशन के किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर वक्त कांग्रेस समेत इन पार्टियों के मुखालिफत करते हुए बिताई है और ज़रूरत हुई तो बाद में भी संघर्ष करेंगे, लेकिन आज लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से सभी वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि हर हालत में बाहर आएँ, वोट जरूर डालें और इस देश में बदलाव लेके आएं। संविधान हमारे लिए बनाया गया, हमारी हिफाजत के लिए, ताकि हम डेमोक्रेसी में खुली सांस ले सकें, लेकिन आज ये दिन है कि हमें संविधान की हिफाजत करना पड़ा। आज अगर ये नौबत आई है कि हमें संविधान को बचाने के लिए आना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये देश क्राइसिस में पहुँच चुका है। और जब भी कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो रिपब्लिक को उस वक्त ना सरकार बचाती है, ना पार्लियामेंट बचाती है और अमूमन जुडिशरी भी नहीं बचा पाती है। अंत में पब्लिक को ही उतरना पड़ता है रिपब्लिक को बचाने के लिए। हमारा मुल्क आज उस पॉइंट पे आ चुका है और अगर ये मौका भी हमने छोड़ दिया तो पता नहीं बाद में फिर अगला मौका कहाँ मिलेगा। कैसे चुने, मैं समझता हूँ बड़ा सवाल हमेशा सामने रखना चाहिए, छोटी चीज़ों को बाजू में कर देना चाहिए। ये इलेक्शन मेरे हिसाब से बिजली सड़क पानी का इलेक्शन नहीं है। सब बिजली सड़क पानी मिल जाएगी और जो सरकार गलत काम करेगी उसका कान पकड़ लेंगे, लेकिन कान पकड़ने का जो हक है, ये हक अगर चला जाएगा तो सबसे गड़बड़ की बात है। आज सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन के बाद किसी ना किसी बहाने से जब इस देश के संविधान को बदलने का प्रपोजल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस वक्त जिसे मैं चुन रहा हूँ वो आज हमारे संविधान के हक में वोट देगा कि उसके बरखिलाफ वोट देगा। मेरे लिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है और मैं आपके माध्यम से वोटर से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना। ये बच्चे जिस मुल्क में बड़ा होंगे, क्या हम चाहते हैं कि वो मुल्क झूठ और नफ़रत की बुनियाद पर पले? आज एक के खिलाफ नफ़रत चला रहे हैं, वो नफ़रत और झूठ किसी दिन पलट के मेरे तक पहुँचेगी। क्या हम चाहते हैं मेरे बच्चे उस झूठ और नफरत के अंदर बड़े हों? ये फैसला करके इस बार का वोट देना। सर, जिस तरह से आपने बताया कि इंडिया गठबंधन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी संविधान खतरे में बात करिए, आप भी करें, लेकिन BJP की तरफ से मोदी हो या अमित शाह हो, तमाम लोग जब स्टेज से दावा कर रहे हैं कि 10 साल उन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाई, कभी उन्होंने संविधान बदलने की कोशिश नहीं की, इस बार क्यों करेंगे? ये आप लोगों की बात है, आप लोग डरा रहे हैं वहाँ हमको संविधान बदल देंगे BJP आने से, वो लोग तो 10 साल में नहीं बदले, आप क्या बदलेंगे? 10 साल में उन्होंने बिना कहे संविधान का सारा
आत्मा संविधान की स्ट्रक्चर को बदल दिया। ये CAA क्या है? संविधान बदलने की चीज़ नहीं है तो क्या है? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि RSS BJP को पहले दिन से ना इस देश का तिरंगा उनको कबूल था, ना इस देश का संविधान उनको कबूल था। हमेशा उन्होंने इसका विरोध किया है। पिछले 10 साल से नहीं, कागज पे नहीं बदला, हकीकत में बदला है। कागज में नहीं बदला क्योंकि उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं थी। आज इसीलिए 400 पार मांग रहे हैं। 400 पार से क्या होगा? मेजॉरिटी तो 273 में बन जाती है। 400 पार की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसीलिए है कि संविधान को बदल सके। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, विवेक देबरॉय जो कि इनकी इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है, उसने लिख के कहा है। क्यों नहीं उसको निकाला अगर गलत बात कह रहा था? इनका एक नहीं, ज्योति मिर्धा राजस्थान से, अनंत हेगड़े कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश का इनका MP कैंडिडेट मुँह से कह रहे हैं संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार। तो अगर ऐसा था तो बाकी सबको टिकट क्यों मिला? इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान को बदलना, क्योंकि ये संविधान इनके मन माफिक नहीं है। संविधान को बदलेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ क्या क्या बदलेंगे। सेकुलर को हटा के सनातन शब्द लेके आएंगे, फेडरलिज्म को हटा के पूरे देश को अब मंगलोर से नहीं, कर्नाटक को दिल्ली से चलाया जाएगा, देश को सेंट्रलाइज करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन पार्टी वन लीडर का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आएंगे। इन सब की तैयारी इन्होंने कर रखी है और इस इलेक्शन में अगर पांव फिसल गया तो इनको पूरा मौका मिल जाएगा। सर देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि BJP की जो कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो माइनॉरिटी वो एक रिलीजियस बेस पे काम करती है, इट डजंट मैटर। लेकिन माइनॉरिटी को भी उन लोगों ने इनविटेशन भेजा। अमित शाह का कहना है कि माइनॉरिटी के सामने BJP की छवि खराब की गई है कि BJP जातिवादी पे इलेक्शन कर। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कह रहे हैं अमित शाह, माइनॉरिटी के सामने BJP बेचारे की छवि खराब की गई है। मैं समझता हूँ बांसवाड़ा में इनके एक लीडर ने स्पीच दी थी जिसने इस देश के 20 करोड़ माइनॉरिटी को घुसपैठिया बोला है। अमित शाह उसको निकाल क्यों नहीं देते पार्टी से? बड़ा सभी छवि खराब कर रहा है इनकी पार्टी की। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसको निकालो पार्टी से, कहो कि माइनॉरिटीज़ को घुसपैठिया बता रहा है, माइनॉरिटी में हमारी छवि खराब कर रहा है, इसको पार्टी से निकालेंगे, निकालें उसके बाद आएं बात करें। अरविंद केजरीवाल और दीगर बड़े दिग्गज नेताओं को करप्शन के मामले में जिम्मेदारी है और BJP का यह दावा करना है कि जितने भी करप्टेड लीडर हैं अपोजिशन लीडर सबको जेल में डाला जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जितने भी करप्टेड लीडर हैं, फिर आपने करेक्ट किया, जितने भी करप्टेड अपोजिशन लीडर हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि किसी भी करप्ट लीडर को रहने नहीं देंगे BJP के बाहर, सबको BJP में लेके आएंगे देश के लिए। अब बड़ा देश का बड़ा कल्याण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मतलब जो खेल हो रहा है। देखिए, ना मैं हेमंत सोरेन को क्लीन चिट देता, ना मैं अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट देता। कोर्ट में मुकदमा कीजिए, जो जज फैसला दे, फांसी की सज़ा मिलती है फांसी दीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार तभी किया जाता है अगर किसी के भाग जाने का शक हो कि फरार हो जाएगा या एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जो 2 साल से जांच चल रही है, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा? कहां भाग के चला जाएगा? और अगर आपको जांच करने के लिए गिरफ्तारी ज़रूरी थी, 2 महीना वेट कर लो भाई, 2 साल से चल रहा है, 2 महीने में आफत पड़ रही थी। और अगर CBI ने यही तय कर रखा है, ED ने, कि हमें टाइम नहीं दिखता, इलेक्शन हो नहीं हो, करप्ट है हम तो उसको गिरफ्तार कर, किसी के बारे में शक है हम तो गिरफ्तार करेंगे, तो फिर मेरा कहना है मोदी जी की आधी कैबिनेट को तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्योंकि ये इलेक्शन बॉन्ड में जो फार्मास्यूटिकल का मामला आया है, आप झूठी दवाइयाँ जिनसे लोगों की जान खतरे में है, उन लोगों को दवाइयों का आप लाइसेंस दे रहे हो, उनसे करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लेके, हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसके पक्ष में बात करने वाला प्रधानमंत्री गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? जो लाइसेंस दिए गए, टेलीकॉम के लाइसेंस दिए गए, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड लिया बाद में लाइसेंस दिए, तो क्या इस देश के रेगुलेटरी अथॉरिटी और मिनिस्टर गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? आप ऐसा कीजिए,
जरूर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कीजिए, सोरेन को गिरफ्तार कीजिए, साथ में मोदी जी की आधी कैबिनेट को भी गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे एक राजनीति, सेल्फलेस राजनीति जो एक दौर में हुआ करती है, यानी डेवलपमेंट पे राजनीति हुआ करती है। आज की जो राजनीति है तो कहीं ना कहीं जातिवादी पे ये राजनीति टिकी हुई है। तो ऐसे में एक आम इंसान को जातिवादी राजनीति पे फोकस करना चाहिए या फिर डेमोक्रेसी पे? जाहिर है हर इंसान को इस देश का भला सोचना चाहिए, उसी से काम करना चाहिए, और जातिवादी राजनीति जाहिर है नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता। यानी कि अपने आप को सिर्फ जाति के खेमे में डाल के नहीं देखना चाहिए, हमें बतौर इंसान के देखना चाहिए, वही कोशिश करनी चाहिए। सर, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आपने अभी बात की, यहाँ पर जिस तरह से सेक्स वीडियो स्कैंडल चल रहा है उनका, बीजेपी को आपने वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया, बीजेपी हालांकि उसके डिफेंस में ये कह रही है कि अलायंस गवर्नमेंट बीजेपी जेडीएस के साथ तो अलायंस है उनका, लेकिन कैंडिडेट चुनने का अख्तियार बीजेपी का थोड़ी है, तो उसमें बीजेपी जिम्मेदार कैसे है? मैं जानता हूँ अब प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, प्रज्वल रेवन्ना को विलेन बनाया जाएगा, और विलेन है भी वो। तो सवाल है कि उनके विलेन होने का पता किस किस को था? जिसको पता नहीं था मैं उसको दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी और जेडीएस में जब गठबंधन की बात हुई तो असली रोड़ा ही ये था कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ये रिकॉर्ड है, इनको पता था कि इसकी वीडियो भी है और इस पे लेन देन हुआ। और फिर देवेगौड़ा ने कहा कि अगर हासन से तो इसको ही टिकट देना होगा, और ये शर्त अमित शाह और मोदी जी ने कबूल की। इसका मतलब है लेन देन हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब उस पाप में भागी हैं। अगर पता ना होता तो मैं किसी को दोष नहीं देता, मगर आज अलायंस की जेडीएस की शर्त ये थी। और इस देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी इस देश की औरतों को बचाना है, उसने इस शर्त को कबूल किया, यानी कि औरतों की इज्जत पे सौदा किया इन लोगों ने, इसलिए जिम्मेवार है। क्या बीजेपी तो अक्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उनका एजेंडा है, उनकी थीम बनी, तो आपको कहाँ लगता है कि बीजेपी इस चीज़ से मुकर? अगर नारों से दुनिया अच्छी हो जाती तो मोदी जी को नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए था अब तक। ये जो, और केवल कर्नाटका की बात नहीं है, कितने एमपी इनके रेप के आरोपी हैं, कितनी बार ऐसे जघन्य अपराधों के लोगों को इन्होंने आंख बंद कर ली है। ब्रजभूषण सिंह के मामले में क्या हुआ था? तो हकीकत है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अफसोस ये है कि इन सबको लगता है कि मीडिया हमारी जेब में है, दुनिया की आँखों में झोंकना, धूल झोंकना इतना आसान है, अच्छा सा नारा दो, उसके बाद जो मर्जी करना है करते रहो, अब जनता इनको सिखाए। बहुत सारे लोग इंडिया अलायंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा, तो कितना इम्पैक्ट रहेगा कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस? कुछ स्टेट्स में इंडिया अलायंस की कोई अहमियत नहीं है, जैसे कर्नाटका कांग्रेस ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अहमियत है। सपा और कांग्रेस अलायंस अगर ना होता तो सपा कमज़ोर होती, कांग्रेस कमज़ोर होती। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस की बहुत अहमियत है, अलग अलग स्टेट की बात है, लेकिन कुल मिला के मेरी इच्छा थी कि इंडिया अलायंस ने जितना किया है उससे कुछ ज़्यादा करता। मेरी इच्छा थी कि इंडिया अलायंस को अपना एक कॉमन मैनिफेस्टो निकालना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सीट एडजस्टमेंट हुआ है, और ये बीजेपी से निजात पाने के लिए देश के पास एक बहुत अच्छा मौका है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से आज पारस एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जुबेरुल्लाह खान एंड टीम ने आपको गुलबर्गा यहाँ पर बुलाया है, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके ज़रिए आप गुलबर्गा के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गुलबर्गा के वोटर को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इस शहर की, इस इलाके की बहुत लंबी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री एक दूसरे के साथ रहने की हिस्ट्री है। अगर उस हिस्ट्री को, अपनी विरासत को हमें बचाना है, तो आज झूठ और नफरत का व्यापार कर रही बीजेपी और आरएसएस को इस देश की सत्ता से उतारना बेहद ज़रूरी है। 7 तारीख को जो वोट हो, उस दिन आज की तारीख में जो लोग इस देश में झूठ और नफरत ख़त्म करना चाहते हैं, उनके पास एक ही रास्ता है, पंजा कांग्रेस पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।